हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, राम की आय श्याम की आय से 11 से 1/9% अधिक है। तो बताइए कि राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं राम, इधर लिख लेते हैं हम श्याम। तो दिया है राम की आय श्याम की आय से 11 से 1/9% अधिक है। यानी कि किसकी आय अधिक है? राम की आय अधिक है। यानी कि 11 से 1/9% का मीनिंग यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 11 से 1/9% अधिक है। अधिक के लिए हम प्लस लगा देते हैं, 11, 9, 99, 100। 100/9% मतलब बटे में 100 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा +1/9। यानी कि यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अगर श्याम की आय 9 है तो 1 अधिक है राम की, यानी कि ये 10 हो जाएगी। अब कह रहा है क्वेश्चन में राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना परसेंट कम है? यहाँ से देखिए -1% कम है। यहाँ से देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन वैसा पैटर्न बना देते हैं हम। यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे लेस परसेंट ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ आ जाएगा -10% लेस। यानी कि राम की आय जो है श्याम की आय से कितना परसेंट कम है? 10% लेस है। इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, जब लेस परसेंट की बात होती है। लेस परसेंट बराबर हमारा एक फार्मूला होता है 100x/100+x। यानी कि 100 × x क्या है, x की जगह किसको लिखते हैं? 11 से 1/9, यानी कि 100/9। यहाँ पे फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 100+100/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे √9, ये यहाँ से हो जाएगा 900+100/9 हो जाएगा। 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 10,000/1,000, इसको सॉल्व करते हैं, 10% लेस।